उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार और कैंपेनिंग के अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए नेता तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिसे देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। यकीन नहीं होता तो आज हम आपको एक ऐसे विधायक जी से रूबरू करवाएंगे जो अपने सेवा भाव के लिए खासे चर्चा में है। और सेवा भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि अगर आपके घर का कोई घरेलू काम भी बाकी है ना, तो नेताजी उसे करने में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आइए आपको मिलाते हैं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा से एमएलए और भाजपा प्रत्याशी भूपेश चौबे से, जो अलग ही तरीके से प्रचार करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में भरी सभा में कान पकड़ कर उठक बैठक कर माफी मांगने के बाद अब वो मतदाता की तेल मालिश करते नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। जरा आप भी देखिए विधायक जी किस तरह बुजुर्ग का हाल चाल सुनने के साथ ही उनकी तेल मालिश कर रहे हैं। हाल ही में विधायक जी ने मंच पर भी कारनामा करके लोगों का खूब ध्यान बटोरा था। दरअसल भूपेश चौबे एक चुनाव प्रचार के दौरान कुर्सी पर खड़े हो गए थे और उन्होंने मंच पर ही कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए 5 साल में उनसे हुई गलतियों की जनता से माफी मांगी। उन्होंने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई, पर मंचासीन पार्टी नेता उनकी ये अदा देखकर दंग हो गए और उन्हें बैठने का संकेत किया। बता दें कि रॉबर्ट्सगंज सीट से वर्ष 2017 में सपा प्रत्याशी अविनाश कुशवाहा को हराकर भाजपा के भूपेश चौबे विधायक बने थे। पार्टी ने इस बार फिर से भूपेश चौबे को चुनावी मैदान में उतारा है। ये चुनाव है साहब, विधानसभा जाने का नशा ही ऐसा है, क्या क्या ना करवा दे। बहरहाल विधायक जी की ये सेवा शुश्रूषा जनता के दिल को कितना छू पाती है, ये तो चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल विपक्षी पार्टियों को नेताजी के इन कारनामों से सरकार पर निशाना साधने का मौका जरूर मिल गया है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक वक्त से पहुंच सके।